नमस्कार, सुप्रभात। आज हम सभी लोग अभिव्यक्ति और माध्यम नामक पुस्तक में संकलित पत्रकारिता नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। जैसा हम सभी लोग जानते हैं, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, तो ऐसे स्थिति में जो हमारे साहित्यकार थे, जो हमारे लेखक थे, वह अपनी बातों को, अपने सुझाव को किस माध्यम के जरिए वह भारतीय जनता तक, भारतीय युवाओं तक पहुंचाने का प्रयत्न करें। ऐसे स्थिति में जनसंचार के बहुत ज़्यादा साधन विकसित नहीं हुए थे, तो समाचार पत्र और पत्रिकाएं जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम माना जाता है। पत्रिकाएं वह विधा होती है जिसमें एक साहित्यकार, एक व्यक्ति, एक समाजसेवी, एक क्रांतिकारी व्यक्ति अपने विचारों को सही ढंग से उन लोगों के लिए प्रेषित करता है जिन्हें उनकी आवश्यकता होती है। देश की जो नई धारा चलती है, क्रांतिकारी योजनाएं चलती हैं, उस क्रांतिकारी योजनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, उस क्रांतिकारी योजनाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान तक सूचनाओं को पहुंचाना, तो जनसंचार के माध्यम के अंतर्गत आता है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि ऐसे स्थिति में जनसंचार का माध्यम किस प्रकार से विकसित किया जाए कि सभी भारतीयों में एक जनचेतना का विकास हो सके। अभिव्यक्ति और माध्यम में नामक पुस्तक में पत्रकारिता नामक जो शीर्षक है, अति महत्वपूर्ण है। विगत हर वर्ष इस अध्याय से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए देखा जाए पत्रकारिता क्या होती है, पत्रकारिता की क्या विशेषताएं होती हैं, पत्रकारिता कितने प्रकार की होती है, और प्रत्येक पत्रकारिता का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान होता है। आज के समय में भी पत्रकारिताएं अनेक नामों से प्रकाशित होती है, लेकिन आज की जो पत्रकारिता होती है वह सूचना देना तो उसका उद्देश्य होता ही है, लेकिन उसका सबसे बड़ा उद्देश्य जो होता है वह व्यवसायिक के दृष्टिकोण से होता है। आप देखेंगे तमाम तरह की पत्रिकाएं होती हैं जिसमें प्रचार प्रसार के नाना प्रकार के विज्ञापन उसमें छपे रहते हैं। हमें मान सकते हैं कि विज्ञापन भी व्यक्ति के लिए आवश्यक है। नई नई वस्तुओं के बारे में व्यक्ति जब जानेगा तभी वह उन वस्तुओं को खरीदने का प्रयत्न करेगा, लेकिन फिर भी पत्रकारिता का जो मुख्य तत्व होता है, सूचनाओं को, एक जगह की सूचना को दूसरी जगह पर पहुंचाने का उसका एकमात्र उद्देश्य होता है। लेकिन आज की जो पत्रकारिता है वह प्राचीन काल की पत्रिकाओं से काफी अलग दिखाई देती है। आइए पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं। पहला प्रश्न इस तरह के आते हैं,
कि पत्रकारिता से हम क्या समझते हैं, पत्रकारिता हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है, तो देश विदेश में पत्रकारिता से हम क्या समझते हैं, इस प्रश्न के संबंध में हम यही कह सकते हैं कि देश विदेश में घटने वाली घटनाओं को संकलित करके समाचार के रूप में जब संपादित कर दिया जाता है तो ऐसी विधा को हम पत्रकारिता के नाम से जानते हैं। फिर से एक बार देखें कि देश विदेश में होने वाली घटनाओं को संकलित मतलब इकट्ठा करके समाचार पत्रों के रूप में, अब समाचार पत्र जिस रूप में प्रकाशित होते हैं उसी रूप में पत्रकारिता भी प्रकाशित होती है, यह भी प्रिंट माध्यम है, मुद्रण माध्यम है। तो देश विदेश में घटने वाली घटनाओं को संकलित करके समाचार पत्रों के रूप में प्रकाशित कर दिया जाता है, ऐसे विधा को हम पत्रकारिता के नाम से जानते हैं। अब पत्रकारिता हमारे जीवन में क्यों उपयोगी है, किस प्रकार से पत्रकारिता हमारे जीवन में प्रकाश डालती है, तो इसके लिए हम यह कह सकते हैं कि पत्रकारिता का संबंध मुख्यतः समाचारों से होता है। समाचार मतलब समाचार शब्द का अभिप्राय होता है, समाचार शब्द अंग्रेजी के न्यूज शब्द का अभिप्राय है। न्यूज जो इंग्लिश के चार शब्दों से मिलके बनता है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ, यानी उत्तर पूर्व पश्चिम और दक्षिण, यानी चारों दिशाओं में घटने वाली घटनाओं को जब हम संकलित करके इकट्ठा करके जब हम प्रकाशित कर देते हैं तो उसको हम समाचार पत्र के नाम से जानते हैं। वही स्थिति पत्रकारिता की भी है कि घटने वाली घटनाओं को, अब जो समाचार पत्र का जो क्षेत्र होता है वह थोड़ा बेहद होता है, हमने आपको बताया कि चारों दिशाओं में घटने वाली घटनाओं को जब हम प्रदर्शित इकट्ठा करके प्रदर्शित करते हैं तो वह समाचार होता है, लेकिन वही पत्रकारिता जो होती है एक निश्चित भूभाग, निश्चित भौगोलिक स्थिति, निश्चित जलवायु से संबंधित होती है, एक छोटे से विशेष क्षेत्रों के बारे में जब उसकी के बारे में पत्रकारिता के माध्यम से प्रकाश डाला जाता है, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि समाचार तो दोनों से प्राप्त होते हैं, लेकिन जो समाचार लेखन होता है, समाचार होता है, वह तमाम तरह की पूरे चारों दिशाओं से आने वाली खबर होती है। वहीं जो पत्रकारिता होती है किसी निश्चित विशेष जगह से आती है। इस तरह से यूं कहा जाए कि समाचार एक व्यापक स्तर है और पत्रकारिता एक संकुचित स्तर है, लेकिन है दोनों का एक ही उद्देश्य, लोगों को सूचनाओं से अवगत कराना, चाहे वो समाचार हो चाहे वो पत्रकारिता हो, सूचनाओं से अवगत कराना ही दोनों का एकमात्र उद्देश्य होता है। इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि पत्रकारिता का भी वही उद्देश्य होता है जो समाचार का होता है। अब देखिए पत्रकारिता की जो प्रकार होते हैं वह पांच प्रकार की पत्रकारिता होती है, मुख्यतः पांच प्रकार की, उसी पत्रकारिता तो सात प्रकार की होती है, लेकिन यहाँ पर हम आपको पांच प्रकार की पत्रकारिता के बारे में बताएंगे। और पांच प्रकार की पत्रकारिता होती है, आप लिख भी सकते हैं। पहली जो पत्रकारिता का नाम है उसको हम कहते हैं खोज परक, खोज परक, खोज परक पत्रकारिता, खोज परक जिसमें की जाए, खोजा भी जाए, परखा भी जाए, ऐसे पत्रकारिता को हम खोज परक पत्रकारिता के नाम से जानते हैं। वही दूसरी पत्रकारिता जो है वह विशेषीकृत, शब्द ही देखिए विशेषीकृत, जिसमें विशेष प्रकार की खोज हो वह विशेषीकृत पत्रकारिता के नाम से जानती हैं। तीसरी पत्रकारिता जो है वह वाच डाग, अब देखिए वाच, वाच में देखना, डाग कुत्ता, अभी थोड़ा अंग्रेजी शब्द लग रहा है वाच डाग,
यानी हमेशा अपने आसपास के लोगों पर निगाह रखना। तो कौन है हमारे अगल बगल के लोग? ऐसी पत्रकारिता किसके प्रति होती है? सरकार के उन अधिकारियों के प्रति होती है। सरकार के अधिकारी किस प्रकार से काम कर रहे हैं वह वाचराग पत्रकारिता के माध्यम से जाना जाता है। वहीं देखिए एक और पत्रकारिता तीसरी है, चौथी है एडवोकेसी। एडवोकेसी एक ऐसी पत्रकारिता जिसमें व्यक्ति अपने मत का, अपने विचार का, किसी घटना का को इकट्ठा करके जनमत बनाने का प्रयास करे, अर्थात लोगों को अपने तरफ लुभाने का प्रयास करे, और इस तरह से वह पत्रकारिता एडवोकेसी पत्रकारिता के नाम से जानती है। वही जो पांचवी और अंतिम पत्रकारिता है वह होती है वैकल्पिक पत्रकारिता। वैकल्पिक पत्रकारिता का अभिप्राय यह होता है कि वैकल्पिक पत्रकारिता नाम है वैकल्पिक, तमाम तरह की खबरों को, पूंजीपति मधुरहा वर्ग, नाना प्रकार की जो चीजें होती हैं, आर्थिक स्थिति से संबंधित, सामाजिक स्थिति से संबंधित इत्यादि, धार्मिक स्थिति से संबंधित सभी बातों को जो प्रकाशित करने की जो पत्रकारिता होती है वह होती है हमारी वैकल्पिक पत्रकारिता। वही छठवां भी हम बता दे रहे हैं, पीत पत्रकारिता। पीत पत्रकारिता वह पत्रकारिता होती है जो सनसनी, चकाचौंध और प्रदर्शन, जिसको हम ग्लैमर की दुनिया कहते हैं, उससे संबंधित होती है और पीत पत्रकारिता के नाम से जानती। एक और होती है जिसको पेज थ्री की पत्रकारिता के नाम से जानते हैं। पेज थ्री पत्रकारिता वह पत्रकारिता होती है जिसमें जासूसी करके किसी ऐसे रहस्यमय खबर को निकालने का प्रयास किया जाता है, उसको हम पेज थ्री पत्रकारिता के नाम से जानते हैं। आइए देखा जाए पहली पत्रकारिता जिसका नाम है खोज परख पत्रकारिता। वास्तविक रूप से खोज परख पत्रकारिता क्या होती है इस पाठ में हम देखें। खोज परख पत्रकारिता, दूसरा है वाचडाग विशेषीकृत पत्रकारिता, तीसरा है वाचडाग पत्रकारिता, चौथा एडवोकेसी पत्रकारिता, पांचवा है वैकल्पिक पत्रकारिता, और से पांच ही मुख्य होती है। लेकिन छठवां भी देख लीजिए, पीत पत्रकारिता और पेज थ्री पत्रकारिता, सात नंबर की पत्रकारिताएं आपको हम बताएं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पत्रकारिता समाचारों का एक आंशिक रूप होती है, समाचार एक वृहद होता है, देश के चारों दिशाओं से उसका जुड़ाव होता है। वहीं जो पत्रकारिता होती है वह देश के चारों दिशाओं से न जुड़ा होकर किसी विशेष स्थान से उसका जुड़ाव होता है, किसी व्यक्ति की विशेष विचारधारा या मत होता है, एक विशेष व्यक्ति का आह्वान होता है, एक विशेष व्यक्ति का अपना एक रुझान होता है, उन सभी तमाम तरह के उन विचार बिंदुओं पर, जैसे देश में घटने वाली घटनाओं का, सामाजिक स्तर का, देश में नाना प्रकार के धार्मिक अंधविश्वासों का, इत्यादि बातों का खंडन करते हुए जब हमारे साहित्यकार, हमारे आलोचक, उपन्यास, कहानीकार अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं तो उसको हम पत्रकारिता के माध्यम से जान पाते हैं। इस तरह से पत्रकारिता का महत्व हमारे दैनिक जीवन में बड़ा महत्व योगदान रहता है। आज की वीडियो में इतना है, आगे हम आपको सभी पत्रकारिताओं की जो विशेषता है कि खोज परख में क्या विशेषता है, विशेषीकृत में क्या है, वाचडाग में क्या है, एडवोकेसी में क्या है, वैकल्पिक पत्रकारिता में क्या है, और पीत पत्रकारिता, पेज थ्री पत्रकारिता का हम गहरे रूप से, व्यापक स्तर से हम विश्लेषण करेंगे जिससे आप उसको समझ पाएंगे। तो बस आज इतना ही।